भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी। यदि किसी प्रकार का प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, ओलावृष्टि के कारण फसलों को आर्थिक हानि होती है, इस प्राकृतिक आपदा के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान कराती है, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है। इस योजना का संचालन प्रशासन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां योजना फसल ऋण बटा केसीसी खाताधारी चालू ऋण पर आपके रकबा के हिसाब से आपकी प्रीमियम आपके डीएमआर अकाउंट से काट लिया जाता है। अगर आप डिफॉल्टर हैं और बीमा करना चाहते हैं, तो आपको अपनी रकबा पर प्रीमियम राशि देकर नॉन लोनी पर करा सकते हैं। और यदि आप फसल बीमा नहीं करना चाहते, तो जब आप सोसाइटी से खाद्य बीज या नगद लोन लेते हैं, उस टाइम आप फॉर्म भर के बीमा नहीं करना करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसका लाभ मिलता है तो आप इससे वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि अभी खरीफ 1 अप्रैल 2023 से 15 जुलाई के बीच खाद्य बीज या नगद लोन लेते हैं, तो आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शामिल हो जाते हैं। कार्यरत कर्मचारी आपका सूची तैयार कर बैंक के माध्यम से और ऑनलाइन आपकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करता है। किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाना है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम है, और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिए किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए। जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा सके। धन्यवाद।